इस कदर झोंक दो अपने आप को काम में ताकि देरी ना हो अंजाम में, देरी ना हो अंजाम आने में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के सारे लेक्चर्स आपने अटेंड कर लिए हैं, तो लास्ट में कुछ बातें, कुछ ऐसी डेफिनेशंस, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे मुद्दे जिनसे रूबरू होना बेहद जरूरी है। जी हाँ, क्वेश्चंस यहां से भी आ सकते हैं। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कहानी को अंजाम तक ले जाने के लिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कुछ शरारती बातों को जानने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद आप सभी ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के सभी लेक्चर्स को अटेंड किया होगा, सब कुछ जान लिया होगा, सीख लिया होगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, एक के बाद एक धमाकेदार लेक्चर प्लेलिस्ट में आपको मिल रहे होंगे। अगर कोई लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया है तो जल्दी से, अभी भी देरी ना करें, जल्दी से अटेंड कर लें, ठीक है। आई होप आपने अटेंड कर भी लिया हो, अच्छे स्टूडेंट्स हैं जी हाँ, जो सच्ची मेहनत कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने डेफिनेटली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लेक्चर्स को अभी तक तो देख लिया होगा। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मेन मुद्दे की बात करते हैं, आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को जान रहे होंगे, जैसे कि पहली डेफिनेशन है टिपिकल एलिमेंट्स से रिलेटेड, ठीक है। टिपिकल एलिमेंट्स होते क्या है, सोचिए। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को बिल्कुल बारीकी से, संगीन तरीके से देखिए, इन एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या खास बात होती है इन एलिमेंट्स की, इन एलिमेंट्स की खास बात यह होती है कि इन एलिमेंट्स के साथ बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही होगी, इनके रिस्पेक्टिव ग्रुप में जो बाकी मेंबर्स इनसे नीचे रखे गए हैं उनके साथ इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही होगी। इन एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप रिजेंबल द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरस्पोंडिंग टिपिकल एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप। जो एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस्ड हैं उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ, हाँ उसी ग्रुप में रखे थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ रिजेंबल हो रही होगी। मैं आपको बेसिकली ये कहना चाहता हूँ, जैसे ग्रुप वन की हम बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो टिपिकल एलिमेंट क्या होगा, टिपिकल एलिमेंट सोडियम होगा, थर्ड पीरियड के एलिमेंट यही है। हाँ, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किससे रिजेंबल हो रही होंगी, सोडियम से रिजेंबल हो रही होंगी। हाँ ये देखिए, इससे रिजेंबल हो रही होंगी। थर्ड पीरियड के इस एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट बोल दिया जाएगा। ऐसे ही इस थर्ड पीरियड में इसके सामने यहां कौन मिल रहा होगा, मैग्नीशियम मिल रहा होगा। आगे चलेंगे, बोरोन से नीचे कौन मिल रहा होगा, एल्यूमिनियम मिल रहा होगा। कार्बन से नीचे कौन मिल रहा होगा, सिलिकन मिल रहा होगा, फॉस्फोरस मिल रहा होगा, और आगे जाएंगे सल्फर मिल रहा होगा, क्लोरीन मिल रहा होगा, है ना। इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स आपको ये मिल रहे होंगे। अब सवाल ये उठता है, लिथियम से प्रॉपर्टी ज्यादा हद तक मैच क्यों नहीं होंगी, सोडियम से ही मैच क्यों होंगी, रीजन है इसका, जानना चाहेंगे क्या रीजन है। देखिए लिथियम के बारे में या सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में इस प्रकार से बयां किया गया है, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट, काफी चीजों में डिफर कर रहे होंगे सेकंड पीरियड के एलिमेंट। स्मॉलर एटॉमिक साइज है, वैसे तो नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज हो रहा होगा, आप ऐसा भी बोल सकते हो, सोडियम का भी तो स्मॉलर है लेकिन लिथियम से तो ग्रेटर होगा ना साइज, लिथियम का साइज तो वेरी स्मॉल है, ठीक है। तो एक तो ये बात है, लिथियम वेरी स्मॉल साइज के साथ मिलता है जिस वजह से इसका जो बॉन्डिंग पैटर्न है
काफी एस्पेक्ट के अंदर क्या हो रहा होगा, डिफरेंट मिल रहा होगा, डिफरेंट हो रहा होगा। सोडियम के केस में ऐसा नहीं होगा, जिस प्रकार की बॉन्डिंग बाकी मेंबर्स शो करते हैं वैसी ही बॉन्डिंग सोडियम भी शो कर रहा होगा। आयनिक बॉन्ड बनाते मेटल्स, लेकिन लिथियम शरारती है, वेरी स्मॉल होने की वजह से कभी कभी कोवलेंट कंपाउंड भी बना देता है। इतना ही नहीं, लिथियम के केस में डी ऑर्बिटल नहीं है, अब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, एंड बाकी केसेस में प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होगा। हाँ, इन सभी में डी ऑर्बिटल्स होंगे। डी की इन्वॉल्वमेंट तो एन इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, याद देखिए, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, एन इज इक्वल टू 3 का केस है, तो 3D क्या होगा इस केस में, वेकेंट होगा। यहां देखिए, एन इज इक्वल टू 4 का केस है, 4D क्या होगा, वेकेंट होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन लिथियम के केस में तो एन इज इक्वल टू 2 है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, डी कहां से होगा, एन इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग तो 2s और 2p वेकेंट होगा। हाँ, 2D नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो कहने की बात यह है, लिथियम का वेरी स्मॉल साइज बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट है, वेरी स्मॉल साइज एंड इट एग्जिबिट डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न। जी हां, वेरी स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज की वजह से बॉन्डिंग पैटर्न क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। वेरी स्मॉल साइज, डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न, डिफरेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल तो है ही, हाँ, अब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्लियर हुई बात। बाकी मेंबर्स के केस में वेकेंट डी ऑर्बिटल मिलते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो टिपिकल एलिमेंट्स जिनके साथ प्रॉपर्टीज उनसे नीचे प्लेस्ड एलिमेंट्स की क्या हो रही होंगी, रिजेंबल हो रही होंगी। हाँ, ये सेम ग्रुप में बात की है, जैसे सोडियम की प्रॉपर्टीज पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के साथ रिजेंबल हो रही होगी, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम के साथ रिजेंबल हो रही होंगी, क्लियर है बात। और सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे ग्रुप 1 के केस में लिथियम हुआ, ग्रुप 2 के केस में बेरिलियम हुआ, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, वेकेंट डी नहीं है, वेरी स्मॉल साइज है, बॉन्डिंग पैटर्न क्या मिल रहा होगा, अलग मिल रहा होगा। तो प्रॉपर्टीज की जो रिजेंबलेंस, इसका जो सिलसिला है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स से स्टार्ट होगा, इन थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को क्या बोल देंगे, टिपिकल एलिमेंट्स बोल देंगे, क्लियर हुई बात। आगे देखिए, ब्रिज एलिमेंट्स किनको बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स, ब्रिज बन रहा हो, ब्रिज जैसा कुछ बन रहा हो, मेंडलीव की टेबल को गौर से देखिए, अपनी तीसरी आंख से देखिए, विजुलाइज किया ना मेंडलीव की टेबल को आपने, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी, हाँ वही वाली कहानी, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग, जी हाँ सही पकड़े हैं, ठीक है। द टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, हाँ ब्रिज एलिमेंट्स भी टिपिकल एलिमेंट्स को ही बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स भी किसको बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स को ही बोलते हैं। टिपिकल कौन से, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, द टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर कोल्ड ब्रिज एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं भैया इनको ब्रिज, एज अ डिविजन ऑफ टू सब ग्रुप्स ए एंड बी, स्टार्ट्स फ्रॉम दीज एलिमेंट्स इन मेंडलीव टेबल। किसकी टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं, ये कहानी मेंडलीव की टेबल में आपने देखी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं भैया, बिल्कुल सराफत से मैं ये बात आपको बयां करना चाहता हूं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और इस तरफ कॉपर सिल्वर गोल्ड, याद आया आपको, अरे याद आया क्या, आगे देखिए, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और इस तरफ क्या होगा, जिंक कैडमियम मर्करी, हाँ सब ग्रुप बी में ये होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, तो डिवीजन स्टार्ट हुआ ना बेसिकली, ये एन इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग, थर्ड पीरियड के कोरस्पॉन्डिंग स्टार्ट हुआ है, ऐसे ये देखना, थर्ड के बाद
ये ब्रिज होगा ना, हाँ इस तरफ ए इस तरफ बी, जी हाँ। ये देखना थर्ड पीरियड के बाद देखिए इस प्रकार का डिवीजन स्टार्ट हुआ है, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम मिलेगा इस तरफ क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा। तो ब्रिज एलिमेंट किसको बोल रहे होंगे, देखिए बेसिकली सोडियम और मैग्नीशियम ने क्या बनाया, ब्रिज बनाया, और ये टिपिकल एलिमेंट्स भी हैं। अभी हमने पीछे देखा थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, सोडियम मैग्नीशियम, हाँ ये टिपिकल एलिमेंट्स हैं, और ये ब्रिज भी बना रहे हैं। कहाँ ब्रिज बना रहे हैं, अरे आपके घर के बाहर नहीं बना रहे हैं, है ना। दिल्ली वाले फ्लाईओवर की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं मेंडलीव की टेबल में जो ब्रिज बन रहा है, ठीक है, जहां से सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी का डिवीजन स्टार्ट हुआ है। अरे यहीं से तो स्टार्ट हुआ, हाँ यहीं से तो स्टार्ट हुआ, सोडियम के बाद ही तो स्टार्ट हुआ, मैग्नीशियम के बाद ही तो स्टार्ट हुआ। तो ये जो टिपिकल एलिमेंट्स हैं इन टिपिकल एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, इनको ब्रिज एलिमेंट्स भी बोलते हैं। देखिए इसने ब्रिज बनाया है, इसने ब्रिज बनाया है, दीज टिपिकल एलिमेंट्स आर ऑल्सो नेम्ड एज ब्रिज एलिमेंट्स, ठीक है, क्लियर हुई बात आपको, इनको ब्रिज एलिमेंट्स भी बोला जाता है प्यार से, दीज आर ऑल्सो नेम्ड एज ब्रिज एलिमेंट्स, क्लियर हुई बात, याद रखेंगे आप लोग, भूल तो नहीं जाएंगे, वेरी गुड, ब्रिज एलिमेंट्स भी बोला जाता है। चले आगे, फिर आगे देखिए, आगे हम बात कर रहे होंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किन को बोलते हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को छोड़ दिया जाए, दीज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, बिल्कुल सही सुना है। क्या डी ब्लॉक के मेंबर्स आएंगे, नहीं डी ब्लॉक के मेंबर्स नहीं आएंगे, एस एंड पी ब्लॉक के मेंबर्स ही आएंगे, इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो, वो एलिमेंट आएंगे जिनमें इनर सेल जो है ये कंप्लीट है। डी ब्लॉक के केस में इनर सेल कंप्लीट नहीं होती, डी ब्लॉक के केस में आपको इलेक्ट्रॉन एन माइनस वनथ डी के अंदर जाते हुए मिलते हैं, जैसे डी वन डी टू या थ्री डी, मान लो थ्री डी वन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, थ्री डी टू थ्री डी नाइन इस प्रकार से। तो कहने की बात यह है इनर सेल क्या मिलती है, इनकम्प्लीट मिलती है, जिस वजह से डी ब्लॉक वालों को हम कभी भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं बोलेंगे। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बेसिकली बोला जाता है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ठीक है, नोबल गैसेस भी नहीं आएंगे, हाँ इस बात को भी नोट करना है। आई होप ये मुद्दा आपको क्लियर है। ग्रुप वन ग्रुप टू 13 से लेकर 17 कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, सिंपल है, एस ब्लॉक ग्रुप वन होंगे एंड ग्रुप टू होंगे, ये एस ब्लॉक होंगे, ये एस ब्लॉक होंगे, और पी ब्लॉक में ग्रुप 13 टू 17, हाँ दीज आर पी ब्लॉक एंड कलेक्टिवली नेम्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, एक साथ क्या बोल देंगे इनको, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल देंगे। लास्ट मुद्दा जो हमें जानना है, लास्ट डायगोनल रिलेशनशिप की हम लोग बात कर रहे होंगे, कुछ एलिमेंट्स के अंदर ये वाला मुद्दा देखने को मिलता है, डायगोनली चलने पर एक ऐसा रिश्ता डेवलप होता है एलिमेंट्स के साथ जो बड़ा मजेदार है। क्या है डायगोनल रिलेशनशिप, सम एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन ग्रुप, कुछ ग्रुप के एलिमेंट्स में ऐसा देखने को मिल रहा होगा, सम एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ सेकेंड पीरियड, हाँ कुछ ग्रुप में सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं ये बड़े शरारती हैं, कैसे, सेकेंड पीरियड रिजेंबल मच इन प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज में रिजेंबल होते हैं विद एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, तीसरे पीरियड के एलिमेंट के साथ ये एलिमेंट रिजेंबल होते हैं ऑफ नेक्स्ट हायर ग्रुप, हाँ देखिए सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ये है लिथियम, थर्ड पीरियड का एलिमेंट नेक्स्ट हायर ग्रुप के अंदर कौन सा है, मैग्नीशियम, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ये है बेरिलियम, नेक्स्ट हायर ग्रुप में कौन है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट एल्यूमिनियम, यहां देखिए बोरोन, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट एक पर्टिकुलर ग्रुप में कौन है, बोरोन, नेक्स्ट हायर ग्रुप के अंदर
थर्ड पीरियड का एलिमेंट कौन है? सिलिकन। हाँ, इस प्रकार से डायगनली चलने पर लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम के साथ प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस शो करता है। इसी रिजेम्बलेंस को डायगनल रिलेशनशिप बोला गया है। किस प्रकार से प्रॉपर्टीज रिजेम्बल होती, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रिजेम्बल हो रही होंगी, ये हम एस ब्लॉक में जान रहे होंगे, पी ब्लॉक में जान रहे होंगे। दोनों एक बेहतरीन चैप्टर है, 11th क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो बेहतरीन चैप्टर है। फिलहाल हमें देखना है कि डायगनली मूव करने पर इस प्रकार से शानदार तरीके से प्रॉपर्टीज रिजेम्बल मिलती हैं, सिमिलर मिलती हैं। इस बात को ही डायगनल रिलेशनशिप बोला जाएगा। ठीक है, क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है? डायगनल रिलेशन मिलता है। ठीक है, किस वजह से डायगनल रिलेशनशिप जो है ये अराइज होता है? ठीक है, मेन कोज क्या है, रीजन क्या है? देखो मेन रीजन सुनो, हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज क्या होगा? साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा। और टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हुआ, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज हुआ। तो डायगनली चलने पर क्या होगा, क्या देखा हमने? डायगनली चलने पर क्या होगा, यहां से यहां साइज डिक्रीज हुआ, यहां से यहां साइज इंक्रीज हुआ। डायगनली चलने पर साइज ऑलमोस्ट सेम मिलता है, ऑलमोस्ट सेम मिलता है, क्योंकि डिक्रीज भी हुआ इंक्रीज भी हुआ, तो ऑलमोस्ट क्या मिलता, सेम मिलता है। इनके साइज ऑलमोस्ट क्या मिलते होंगे, सेम मिलते होंगे। रेडियाई आसपास मिलते होंगे, साइज आसपास मिलते होंगे। जी हाँ, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल साइज डिक्रीजेस, ऑन मूविंग डायगनली साइज रिमेन्स नियरली सेम। ठीक है, बिकॉज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। ठीक है, यहां से यहां डिक्रीज हुआ, यहां से यहां इंक्रीज हुआ, और डायगनली चलने पर क्या मिलता है, ऑलमोस्ट सेम मिलता है। तो एक रीजन तो ये है डायगनल रिलेशनशिप का कि साइज क्या है इनके, साइज ऑलमोस्ट सेम है। इसके अलावा डायगनली चलने पर सिमिलैरिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को भी आप देख सकते हैं, पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं उनको आप कंपेयर कर लें, लिथियम के मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम के एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन की सिलिकन के साथ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज मिलती हैं। इसके अलावा इन आयनिक फॉर्म, जब ये आयनिक फॉर्म के अंदर होंगे, देयर चार्ज डेंसिटी ऑल्सो रिजेंबल्स। जी हाँ, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज बाय साइज, अकेला चार्ज नहीं, अकेला साइज नहीं, चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय साइज ऑल्सो रिजेंबल्स। यहां चार्ज डेंसिटी की वजह से, चार्ज बाय साइज की वजह से भी काफी सारी प्रॉपर्टीज रिजेंबल हो रही होंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रिजेंबल हो रही होंगी, ये किस प्रकार की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, किस प्रकार से प्रॉपर्टीज मैच कर रही होगी, रिजेंबल कर रही होगी, ये हम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जान रहे होंगे। ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर्स में जान रहे होंगे। फिलहाल इस कहानी में इतना काफी है। तो यार, इसी के साथ हमने इस टॉपिक को कर लिया फिनिश। और लास्ट में एक लाइन, कभी सोचा नहीं था ऐसा अंजाम होगा, ये अंजाम होगा कि बादशाह भी गुलाम होगा, चैप्टर भी आपका गुलाम होगा। इसके लिए पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ बार बार रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, नोट्स के अंदर सारी वो तमाम चीजें, वो तमाम कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिलीवर किए जा चुके हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा। शर्त यह है उस लेवल की विजुअलाइजेशन आपको डेवलप करनी है। वो डेवलप तभी हो पाएगी जब बार बार रिवीजन कर रहे होंगे और सच्चे मन से आप रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक अच्छी है, इस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, आपको डेफिनेटली मैं बता रहा हूंगा कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए। फिलहाल आप मेरे नोट्स को फॉलो करते रहें, ढेर सारी चीजों के साथ हम लोग अभी रेगुलरली ऑनलाइन मिलते रहेंगे। एक बुक भी मैं लिख रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक शानदार बुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कुछ टाइम के बाद पब्लिश हो जाएगी। अभी कुछ चैप्टर ही मैंने बुक के लिख दिए हैं, डिजाइन कर दिए हैं। ठीक है, और उसका एक सैंपल भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक अलग ही तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा जा सकता है,
ठीक है, तो उससे आपको रूबरू करवाने का काम कर रहा हूँ। फिलहाल रात काफी हो गई है, सेशन को करते हैं प्री एंड, जल्दी हम लोग फिर मिल रहे होंगे ऑनलाइन के अंदर, रेगुलर लेक्चर्स आपको मिलने स्टार्ट हो रहे होंगे, ठीक है। एक से दो दिन के अंदर आपको 15 डेज की प्लेलिस्ट, 15 डेज की अपकमिंग वीडियोस विजिबल हो रहे होंगे, ठीक है। तो चलें फिर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।